Hello students, welcome to my class and today I start our mental math class and today we are going to discuss about the worksheet 29, 30 and 31. Okay. So today we are going to discuss about the worksheet 29, 30 and 31. So please note down on your diary. Okay. So 29 में देखो, a boy saves rupees 155 every month. How much money will he save in a year? And how much money will he save in 4 years? So यहाँ पे एक महीने में वो इतना रुपीज सेव करता है 155. So 1 year is equal to 12 months. Okay, 1 year is equal to 12 months. So क्या होगा, 155 के साथ 12 मल्टीप्लाई करना है, करना होगा, तो फिर आएगा आंसर एक साल में वो कितना सेविंग करता है. सो अगर हम 155 के साथ 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1860 रुपीस. 1860 वन ईयर में वो इतना रुपीस सेव करता है. सो 4 ईयर में कितना करेगा, इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई करना है. 1860 मल्टीप्लाई विथ 4. सो कितना होता है रुपीस 7440 is the answer. One year is equal 12 months. So 12 एक महीने में अगर इतना रुपीज वो सेव करता है तो 12 मंथ में कितना करेगा. सो इसके लिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, आंसर आता है 1860. ओके, उसके बाद है हाउ मच मनी विल ही सेव इन 4 ईयर्स. एक साल में अगर इतना वो सेविंग कर रहा है तो 4 ईयर्स में कितना करेगा मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 7440. A woman makes 115 bags in 1 hour. She works 12 hours a day. How many bags will she make in a month of 30 days? Okay. एक दिन में वो 12 घंटे काम करती है, तो वो कितना टोटल कितना घंटे काम करती है. सो टोटल वो 30 मल्टीप्लाई विथ 12, 360 आवर्स वो काम करती है. सो एक घंटे में अगर वो 115 बैग्स तैयार करती है तो इतना घंटे में वो कितना बैग्स तैयार करेगी. सो 115 मल्टीप्लाई विथ 360. सो मल्टीप्लाई करने से होता है 41,400 बैग्स.
ओके, इस तरह से करना है। यहाँ पर देखो 12 + 12 मल्टीप्लाई विथ 4 इज इक्वल टू 48, सो एक जीरो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो ज़्यादा हो जाएंगे। 3 3 3 3 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई विथ 3 चीज़ 4762 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1। तो बाकी का जो रह जाता है आप लोग होमवर्क में करोगे। बाकी जो है आप होमवर्क में करोगे, ओके। ये वाले भी आप लोग होमवर्क में करोगे। अच्छा, यहाँ पे देखो डिवीजन में, देखो डिवीजन में टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो आप लोगों को टेबल बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अच्छा, 10 के टेबल में कहाँ पर 30 होता है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, सो 10 3 ज़ा 30। यहाँ पर भी अगर हम डिवाइड करें तो होता है 10 12 ज़ा 120, 10 20 ज़ा 200, सो ऐसे ऐसे करके करना है, ओके। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो 10 के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं 112 को, पहले तो ये दोनों देखेंगे, 10 1 ज़ा 10, उसके बाद 12 10 1 ज़ा 10, सो कोशेंट इज 11, कोशेंट इज 11 एंड रिमाइंडर इज 2, ओके। ऐसे डिवाइड करना है, तो नेक्स्ट में 9 का करवाती हूँ। देखो 10 6 1 1 3, सो 6 1 1 10 1 3 1, सो यहाँ पे आएगा 611 एंड 3 इज रिमाइंडर। ओके, 7 का भी वही हाल है, 61 इज कोशेंट एंड 7 इज रिमाइंडर। सो आप लोग इस तरह से ये वाले प्रैक्टिस करो, डिवीजन, ओके। सो यू प्रैक्टिस द मैथ। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।